सो हाई गाइस, अगेन योर होस्ट एंड दोस्त इज हियर राहुल। आज हम लोग ये देखेंगे कि आपको अपने प्री एग्जामिनेशन और ओडीओपी खत्म करने के बाद जो एग्जामिनेशन फॉर्म फाइल करना है जून 2021 के लिए, वो आप कैसे करेंगे। सो एज यूजुअल, आपको सबसे पहले अपने होम साइट पे जाना है, दैट इज icsi.edu। आप चाहे फोन ब्राउजर यूज करें या लैपटॉप कंप्यूटर डेस्कटॉप कुछ भी यूज कीजिए, आपको जाना है icsi.edu पे। icsi.edu पे होम पेज पर आपको कुछ ओपन पैनल पे कुछ ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें से एक ऑप्शन है ऑनलाइन सर्विसेज का। ऑनलाइन सर्विसेज में आपको चूज करना है स्टूडेंट पोर्टल, क्योंकि आप अभी एक स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट पोर्टल में आपको वो लोग बोलते हैं यूजर लॉगिन यूज करने के लिए। जो यूजर लॉगिन इज योर रजिस्ट्रेशन नंबर एग्जीक्यूटिव का, और पासवर्ड आपको जो फर्स्ट टाइम पासवर्ड होता है वो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ ही आपको मेल पे दिया जाता है, उसके बाद आप उसे रिसेट कर सकते हैं। तो फिलहाल हम एक स्टूडेंट के यूजर नंबर से यहाँ पे लॉगिन करते हैं। वंस यू लॉग इन, जैसे आप लॉग इन करते हैं आपको अपने डिटेल्स और आपका फॉर्म दिखाई देता है। वहाँ पे लॉग इन करने के बाद आपको फर्स्ट पेज पे कुछ ऑप्शन मिल रहेंगे टॉप ब्लू कलर के पैनल पर। वहाँ पे आपको एक ऑप्शन है मॉड्यूल। मॉड्यूल के ऑप्शन में आपको यूज़ करना है एनरोलमेंट वाला टैब। एनरोलमेंट के अंदर भी आपको कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से हमें ऑप्शन चूज करना है एग्जामिनेशन एनरोलमेंट रिक्वेस्ट, द फर्स्ट ऑप्शन अंडर एनरोलमेंट। आप उस पर क्लिक कीजिए। वंस यूर देयर, आपको इस पेज पर कोई चीज सिलेक्ट नहीं करनी है। आपको नीचे सिंपली लेफ्ट हैंड साइड पे एक ऑप्शन दिया गया है ऐड एनरोलमेंट रिक्वेस्ट, आपको ऐड एनरोलमेंट रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है। एक बेसिक फॉर्म ओपन होगा, इसके बाद यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है अपना स्टेट, जिस स्टेट में आप एग्जाम देना चाहते हैं। आपको सिलेक्ट करना है अपना सेंटर, स्टेट में जो सेंटर आप चूज करना चाहते हैं। आपको सिलेक्ट करना है मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, इधर इंग्लिश और हिंदी, और आपको चूज करना है मॉड्यूल, या एक मॉड्यूल देना है या बोथ मॉड्यूल देने। यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन बच्ची ने किया है वो एक मॉड्यूल के हिसाब से ही किया था, इसलिए यहाँ पे एक मॉड्यूल शो हो रहा है। जिन्होंने बोथ द मॉड्यूल्स के लिए रजिस्ट्रेशन किया था उनको बोथ का ऑप्शन दिखेगा, और बोथ में भी मॉड्यूल वन और मॉड्यूल टू सेपरेटली लिखा होगा, तो आपको वन और टू दोनों सिलेक्ट करना है इन ऑर्डर टू अपियर फॉर बोथ द मॉड्यूल्स, नॉट जस्ट मॉड्यूल टू। इतना करने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर आपको एक डिस्क्लेमर मांगा है, आपको एग्जामिनेशन फीस बोला गया है ऊपर, जो कि 1200 है पर मॉड्यूल। अगर आप दोनों मॉड्यूल अपियर कर रहे हैं तो बोथ मॉड्यूल का फीस हो जाएगा 1200 रुपीज। यहाँ पर आपको ये चेकबॉक्स सिलेक्ट कर देना है एंड यू नीड टू गो फॉर नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद बच्चों, ये लोग आपको एक कन्फर्म एप्लीकेशन पूछेंगे। ये जो फॉर्म है, इस फॉर्म को आप प्लीज दो बार आराम से रीड करना। इसमें दिया गया है वो सेंटर, वो मीडियम और वो मॉड्यूल जो आपने चूज किया है, जिसके लिए आप एग्जाम में अपियर करना चाहते हैं। इफ एनीथिंग यू फाइंड इनअप्रोप्रिएट हियर, आप यहीं पे बैक जाके चेंज कीजिए। वंस यू डू कन्फर्म एप्लीकेशन, उसके बाद यहाँ पे आप कोई चेंजेस नहीं कर पाएंगे। तो इस फॉर्म को अच्छे से रीड करना एंड देन गिव फॉर कन्फर्म एप्लीकेशन। ओके, वंस यू आर डन, वो आपको पेमेंट गेटवे पे लेके जाते हैं। अब जो लोग एक्सिस बैंक यूजर है वो डायरेक्ट एक्सिस बैंक का यूज करके पे कर सकते हैं। एनी अदर बैंक के जो लोग हैं, जिनका अदर बैंक का कार्ड है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, कुछ भी, आप लोग प्लीज बिल डेस्क का ऑप्शन यूज कीजिए। और बिल डेस्क में वो आपको ये ट्रांजेक्शन आईडी, बच्चों यहाँ पे जो रिक्वेस्ट आईडी और ट्रांजेक्शन आपको दिया गया है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर से कहीं पे लिख के रख लीजिए, क्योंकि इन फर्दर केस अगर आप जब पेमेंट करते हैं उस टाइम पे ओटीपी फॉल्स आ गया या पेमेंट किसी भी वजह से रुक गया, तो आपको वापस से पूरा फॉर्म फाइल करने की जरूरत है। आप ये ट्रांजेक्शन आईडी यूज करके सीधा इसी पेज से अपना फॉर्म फिलिंग वापस से स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसके बाद यहाँ से प्रोसीड कीजिए। नाउ यू आर ऑन द पेमेंट गेटवे मोड। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए हैं क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, डेबिट क्लास पर, एटीएम पिन, इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट, कैश कार्ड्स। जिनके पास डेबिट कार्ड है वो प्लीज डेबिट कार्ड का ऑप्शन यूज कीजिए।
बच्चों जैसे ही आप अपना ओटीपी डाल के अपना पेमेंट खत्म करते हैं, आपको हाथ के हाथ एक रिसिप्ट जनरेट होके मिल जाता है। उस रिसिप्ट में आपके ट्रांजेक्शन डिटेल्स हैं एंड देयर इज अ कंफर्मेशन कि आपका फीस एक्सेप्ट हो चुका है, आपका एनरोलमेंट रिक्वेस्ट जा चुका है और आपका एग्जामिनेशन फॉर्म फाइल हो चुका है। तो इट्स जस्ट अ सिंपल प्रोसेस। आप घर पे भी प्लीज फोन, डेस्कटॉप, लैपटॉप किसी से भी अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फाइल कर सकते हैं। एंड द लास्ट डेट फॉर एग्जाम फॉर्म फाइलिंग इज 25th of March विदाउट लेट फीस एंड विद लेट फीस ऑफ 250 rupees। द लास्ट डेट फॉर एग्जामिनेशन फॉर्म फाइलिंग इज 9th of April। सो प्लीज अब 25th March के पहले अपना रजिस्ट्रेशन खत्म कर लीजिए एग्जामिनेशन फॉर्म फाइलिंग के लिए। एंड गुड लक फॉर द एग्जामिनेशन। टेक केयर बडीज, सी यू।